बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरी जमीन पाकिस्तान, हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड चैनल, आपका चैनल। हम सब यहां पे किसान बहन भाई, मेरी कोशिश ये होती है कि इस सेक्टर को प्रमोट होना चाहिए। हमेशा मैंने एक बात कही है कि अगर हम कल को बचते हैं ना, यह हमारी जो बका है वो सिर्फ और सिर्फ ज़राअत से वो मुंसलिक है, अदरवाइज ऐसे हालात नहीं है। अच्छा, हम शुक्र गुजार हैं कि चाइना ने जनाब कोई $2 बिलियन का जो लोन है उसको रोल ओवर कर दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कहां चाइना और कहां अभी ये भाई ज़राअत की बात कर रहा है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि बेसिकली तो इकोनॉमी अगर आपकी सही होगी तो सारी चीजें ठीक होगी। अगर इकोनॉमी ठीक नहीं होती तो समझ ले आवे का हवा बिगड़ जाता है। अच्छा, ये रोल ओवर क्या है? आपको पता ही होगा कि हमें ज्यादा खुश ना हो। रोल ओवर बुनियादी तौर पर ये होता है कि जो अरसा है या आपका मुद्दत होती है लोन की वापस करने की, उसको बढ़ा दिया जाता है 6 महीने साल, और एक रिलीफ दे दिया जाता है कि जनाब आप मजीद 6 महीने ले लें या साल ले लें, तो इसलिए ये कर्जा तो वहीं पे ही रहता है। तो बहरहाल इससे एक फायदा जरूर होगा कि ये जो अभी रवा महीना है आपका मार्च का, इसमें रुपये को कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि आपका ये रोल ओवर हो गया। हाँ, अप्रैल मई जून आपके लिए बहुत टफ होंगे। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि तब आपने जो एक्सटर्नल आपके इकोनॉमी है उसमें आपको एक ठीक ठाक डेंट पड़ने को जा रहा है। वो एक अजदहे की तरह जनाब ऐसे मुंह खोले बैठा है, फन फैलाए हुए। वो क्या कि आपने बैरूनी कर्जों की जो अदायगी करनी है बिना सूद, जिसको डेट सर्विसिंग बोलते हैं, एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग, उसने बहरहाल आपको फैलाना है जरा। और इस दौरान आपके पास कोई फॉरेन रिजर्व्स का भी कोई चीज नहीं नजर आती कि चलो यार वही हो जाए। और फिर सबसे बड़ा ये है कि वफाक और सूबों की जनाब आपस में जो कमजोर तरीन इस वक्त हुकूमत सामने आई है, इसमें भी कोई आने वाले दिनों में कुछ मुफामत नजर नहीं आती कि कन्फ्रंटेशन होगी, जो कि मतलब लग रहा है। तो इस सूरत हाल में इकॉनमी कहाँ बूस्ट होगी? और हमारी मईशत का एक सेक्टर यहाँ पे है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा था कि इकॉनमी का, मैंने कहा जी वो ठीक होगी तो सारे ठीक होंगे, तो हमारा सेक्टर या एक एरिया कह लें वो ज़राअत भी है, हमारी टोटल मईशत का, कि अगर ज़राअत ही ठीक हो जाए ना तो यकीन माने सब कुछ ही ठीक होगा। और ये बाहमी हमांगी से ही ये मतलब सिलसिला होना है वफाक की और सूबों की, कि यार क्योंकि सूबों में ही है ना आपकी ज़राअत, पंजाब में बहुत ज़्यादा है, सिंध में है, KPK में, फिर आगे फिर अल्लाह का भला करे तो बलोचिस्तान में। तो हमारी ज़राअत को ग्रो करने की जरूरत है, और बड़ा रैपिडली ग्रोथ होगी तो वी कैन मीट दीज चैलेंजेस। आपको पता ही है कि ये 24 करोड़ अवाम जो है इनका पेट नहीं भरना हमने, हमारी अशियाए खुरनोश के लिए ज़रूरी है कि हम उसको मीटअप करने के लिए कि हम अपनी ज़राअत की तरफ तवज्जो दें, और अगर कुछ भले से गलती से कुछ सरप्लस हमारी ग्रोथ हो जाए तो क्या ही कहने हैं कि हम ज़रे मुबादला भी उससे कमा सकते हैं। खातर का मसला ये है कि हमारी जो क्रॉप पर एकड़ उसकी यील्ड ही नहीं इतनी होती, वो यील्ड क्यों नहीं सही दे पा रही होती? ये सिर्फ उसी वक्त ही मुमकिन हो सकेगा जब हमारे फार्मर का बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाएगा, उसको कुछ सब्सिडी दी जाएगी, बिजली दें, इनपुट्स में इतने महंगे दामों यहाँ पे DAP और वो दूसरी सोना यूरिया खाद और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वो बेचारा क्या करे, कमर तो टूट जाती है, रही सही कसर वो आड़ती ही उसकी निकाल देता है। तो बेतहाशा स्ट्रक्चरल इश्यूज है, वी नीड टू एड्रेस आर स्ट्रक्चरल इश्यूज, जिस पर एक पूरा प्रोग्राम बनता है। अभी तो चूंकि हमने चीदा चीज़ों को छेड़ा है, और अगर गौर किया जाए तो यही हाल हमारी पोल्ट्री का है, हमारी जनाब लाइफ स्टॉक का है, और फिशिंग के वहाँ पर भी इसी तरह की नागुफ्ता बेसुरत हाल है, यानी कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। और एक बड़ा अहम मसला है वो ये है कि हमारी जो लैंड होल्डिंग है, आप देखें कि 80 लाख फार्मर के पास 12.5 एकड़ से कम है रकबा। दोस्तों, आपको पता ही होगा ये आपकी एक बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी बुराई की जड़ जो होती है ना, वो एक ये भी है कि आपके पास, आपके फार्मर के पास जो 80 लाख से भी ऊपर हैं उनके पास इतना रकबा ही नहीं है। वो बेचारे के पास किसी के पास 1.5 एकड़ है, किसी के पास इवन कनालों में है, किसी का 3 एकड़ 4 एकड़, और हजारों एकड़ वाले भी जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, और कहते हैं बड़े मगरमच्छ तो छोटी मछलियों को खा जाते हैं,
तो जब भी कोई मरात की या कोई बात होती है इनकी बेचारों की, छोटे काश्तकार जिम्मेदार किसान की, तो सुनवाई होती नहीं है। और कैसे होगी, क्योंकि बड़े भी बैठे हैं, पहले वो अपना देखेंगे ना। ये एक हार्ड फैक्ट है। तो आखिर में मतलब मैं, जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि मैं इस पर, हम एक जो हमारे एक ढांचा है ना, बुनियादी ढांचा हमारे ज़राअत का, हम उसको डिस्कस करेंगे एट लेंथ किसी खास एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में। अभी बस एंड पे मैंने यही कहना था कि जो 15 अगस्त सन 1947 में भारत ने जो सबसे पहला एक ऐसा कदम उठाया था, वो था एग्रीकल्चर इस्तलाहात। ऐसी इस्लाहात उन्होंने की थी, ऐसा जनाब रिफॉर्म्स लाए हैं कि देख लें वहाँ का एग्रीकल्चर हमारे एग्रीकल्चर से बहुत बेहतर है। हम वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स यानी ज़रई इस्लाहात ही नहीं ला सके, वो लागू ही नहीं कर सके। ये बहुत लंबी बहस हो जाती है। तो बहरहाल ये चंद एक चीज़ें थी, मैंने इंटरकनेक्ट किया हमारी इकॉनमी को, बात शुरू की थी कि 2 बिलियन लोन के रोल ओवर से कि वो कहाँ जाके जनाब फिट बैठता है, कि चलो मार्च आपका सही गुजर जाएगा। मैं रीकैप दे रहा हूँ जरा अपने ही प्रोग्राम का। आगे चल कर ये है कि जी अप्रैल मई जून हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमें उसको निपटना है। और आखिर में बात ये है कि एक वीक गवर्नमेंट जो बज़ाहिर वीक ही है, उस पर लगी रही है। अब इसमें देखें कन्फ्रंटेशन भी होंगी सूबों की, वफाक के साथ वफाक सूबे फेस ऑफ हो जाएंगे। जब इस तरह फेस ऑफ हो जाए, हारमनी ना हो तो हमांगी ना हो, तो फिर बेड़ा गर्क ही होता है और अल्टीमेटली ज़रात का भी बेड़ा गर्क होगा। अल्लाह ना करे हाकम बदन, क्योंकि ज़रात ने ही सिर्फ हमें बचाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।